आपका सीनियर यहाँ का जो भी होगा हेड, इसका काम है आप सबकी काउंटिंग करना, आप लोग को पूरा करना। उस काउंटिंग का मकसद क्या होता है, अगर खुदा ना खास्ता के अंदर जोश पड़ा हुआ है, जख्मी पड़ा हुआ है, उसका इलम हो जाता है। आग से आगाही, हादसों से आगाही बहुत जरूरी चीज है। अगर आग से और हादसे से इंसान को आगाही नहीं होती, तो जिस तरह स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में एक लड़का लटक के 10 मिनट लटका रहा उसके बेचारे के हाथ का दम खत्म हुआ और नीचे गिर के मर गया, तो ये सेम ऐसा तरीका होगा। वो बंदा बच सकता था, वो बंदा सिर्फ उसके कम इलमी की वजह से मौत के मुँह में चला गया। उसके रूम में भी आग नहीं थी लगी हुई, उसके साथ वाले रूम में एसी का शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं जमा हुआ था और दरवाजे खिड़कियों से उसके कमरे में आ गया। अगर उसको पता होता कि धुएं की सूरत में अपने कमरे से कैसे बाहर निकलते, वो इलम जानता है उसके बारे में, तो कभी भी डरता नहीं, शीशा नहीं तोड़ता, खिड़की में लटकता नहीं, वो ऊपर 12वीं मंजिल के 10वीं मंजिल में जाके लटका। एक माले से चलान कोई नहीं लगा सकते, 12वें माले में जाके लटका, सिर्फ अपनी कम इलमी की वजह। अगर इलम होता उसको, वो जमीन पे लेट जाता, बॉलिंग करता, दरवाजे की तरफ जाता, कोई दरवाजा तोड़ देता वो बजाता, या शायद वो तोड़ देता, कोई चक्कर करता और निकल जाता, दरवाजे को कटरा ला भी नहीं, खोल के निकल जाता। पर क्या धुएं में उसको नजर आना बंद हो गया? धुएं में भी इंसान को नजर आता है। धुआं ऐसी चीज है, ये जमीन से 3.5-3 फीट ऊंचा होता है, ये कभी भी जमीन पे नहीं होता। गर्म धुआं हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, तो वो अगर नीचे लेट जाता है उसको सब कुछ नजर आता, ना वो बेहोश होता, ना वो मरता, ना वो जख्मी होता। अभी आप लोग को फायर सॉल्यूशन के बारे से शुरू करते हैं। आग बुझाने के 3 तरीके हैं, आग लगती 3 चीजों से, लगती 3 चीजों से, हीट, ऑक्सीजन और मटेरियल। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो आग लगती है। बुझाने के 3 तरीके हैं, ढांपना, ठंडा करना और इसके आसपास की चीजें हटाना। जैसे मिसाल के तौर पे ये कुर्सी है, यहाँ पे लकड़ी का सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है और इसकी किसी एक चीज पर आग लग गई है। अभी आपके पास पानी नहीं है, आप इसको ढांप ही नहीं सकते हो, बहुत बड़ा इसका फैलाव है, आप क्या करो, इसको आग लगी हुई है, ये दो चीजें हटाओ और चिल्लाओ, लोगों को बताओ आग लग गई है। क्या होगा, ये चीज जल के खत्म हो जाएगी, ये आग मजीद नहीं बढ़ेगी। तो ये आपने आग समझो बुझा ली, कवर कर गए आप। अच्छा, ढांपना क्या है? ढांपना ऐसा है जैसे छोटी सी कोई आग लगी है, पंप मार दिया वो बुझ गई, कोई ऐसी चीज आपके हाथ में आई जिससे वो पूरा का पूरा पैक हो सकता है, हवा उसे बंद हो सकती है। देखो, आग में आपने हवा हटा दिया, आग बंद हो गई। आग पे आपने पानी मार दिया, मतलब उसकी गर्मी मार दी, गर्मी मार दी, आग बंद हो गई। आग को आपने भूखा मारना है, भूखा मारने मतलब उसके आस पास की जलने वाली चीजें आपने हटा दी, तो उसने जो चीज को पकड़ा हुआ उसको काट दी, खत्म हो गई।
Gracias.
देंगे जैसे वो गैस चालू हो जाए, गैस क्या था तो गैस बंद कर देंगे, फिर लगेर मटीरियल तो आते हैं। देखना उसके ऊपर लिखा हुआ है पास, PASS, पास का मतलब है ये पिन है, इसको निकालना, पुल द पिन, पास की जो पी है ना वो पी का मतलब है ये पिन निकालना, पुल द पिन, ये मैंने पिन निकाल दिया। उसके बाद ए का मतलब है एंड द नोजल, जहाँ आग लगी है वहां निशाना लेना, दूसरा को बिल्डिंग से निशाना लेना, ये आग लगी है इस नोजल को मैंने यहाँ आग के सामने पकड़ लिया, टांगे इस तरह की और इसको पकड़ लिया, और उससे कम 1-3 फीट मीटर दूरी का फासला रखता है, यहाँ तक आपको गर्मी महसूस ना हो तो ना हो कि आग बुझाने के चक्कर में आप खुद अपने कपड़े जला दें, खुद जल बैठो। आग लगी हुई है,